आज सपा का एक डेलीगेशन घायल किसानों से मुलाकात करेगा। दरअसल नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के बाहर चल रहे किसानों के अनिश्चितकालीन धरने के दौरान 6 जून को धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज करके जबरन गिरफ्तार उनको किया गया था, जिसके बाद सपा ने 12 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया जो आज किसानों से मुलाकात करने वाला है। किसानों से ये पूरी टीम, ये डेलीगेशन मुलाकात करेगी। नोएडा प्राधिकरण के सामने धरना दे रहे थे किसान और वहां पर जबरन किसानों को हटाया जा रहा था, उनको गिरफ्तार किया गया। आज समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन उनसे मिलने वाला है। 6 जून को यह सब हुआ था, 6 जून को धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, जबरन उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद सपा ने अपनी 12 लोगों की, 12 सदस्यों की एक टीम बनाई, डेलीगेशन बनाया जो आज किसानों से मुलाकात करने वाला है। सपा डेलीगेशन की किन किसानों से आज मुलाकात होने वाली है वो जरा आपको बता दें। ग्रेटर नोएडा में प्रदर्शन के दौरान घायल किसानों से मुलाकात ये टीम करने वाली है। 6 जून को पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर लाठीचार्ज किया था, वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी। और ग्रेटर नोएडा पुलिस के लाठीचार्ज में कई किसान वहां पर घायल हो गए थे, जख्मी हो गए थे। पुलिस ने किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया था, 1134 किसानों के खिलाफ केस दर्ज करने की बात सामने आई और पुलिस ने 33 किसानों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया था। 25 अप्रैल से अथॉरिटी के सामने प्रदर्शन कर रहे थे किसान और कई समस्याओं को लेकर के, कई मुद्दों को लेकर के वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। वहां पर अचानक से 6 जून की तारीख जब लाठीचार्ज किया जाता है किसानों पर और उनको जबरन गिरफ्तार किया गया, आज उन्हीं किसानों से डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का मुलाकात करने वाला है। कौन कौन डेलीगेशन में शामिल है, कितने बजे ये मुलाकात होगी ये जान लेते हैं। मेरे साथी शक्ति सिंह जुड़ चुके हैं नोएडा से। शक्ति, डेलीगेशन में कौन बड़े चेहरे शामिल हैं जो किसानों से आज मिलने वाले हैं और कितने बजे ये मुलाकात होगी? जब अतुल प्रधान से हमारी जो बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 12 से 12:30 बजे के बीच में पहले वो उन किसानों से जाके मिलेंगे जो जेल में बंद है। 33 किसान इसमें अरेस्ट हुए थे जो कि नोएडा जेल में इस समय बंद हैं, वहाँ पहले जेल पे पहुँचेंगे। जेल पे पहुँचने के बाद उनसे बात करेंगे। 12 सदस्यीय डेलीगेशन है जो कि जेल पर पहुँचेगा और उसके बाद वो ग्रेटर नोएडा की जो अथॉरिटी है वहाँ पर जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लगातार धरना कर रहे हैं, वहाँ पर उनसे मिलेंगे और वाक्य के बारे में जानेंगे कि 6 जून की रात को आखिर हुआ क्या था, किस तरह से पुलिस आई थी, उन्होंने धरना समाप्त करने के लिए क्या कहा था, किस तरह से कहा था हटाने के लिए, और उसके बाद ऐसी क्या नौबत आई कि पुलिस वालों को लाठियां तक भाजनी पड़ी। जो कि उन्होंने जो अपना लेटर जारी किया उसमें आरोप लगाया, इसमें हरेंद्र मलिक हैं जो कि पूर्व सांसद हैं और वह इस समय राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के। इनमें दो विधायक और भी हैं जो कि एक जौनपुर से हैं और एक है सचिन यादव जो फिरोजाबाद से हैं। तो 12 सदस्य हैं जो स्थानीय, जो वहाँ के लोकल नेता हैं, राजकुमार भाटी हैं जो प्रवक्ता हैं गौतम बुद्ध नगर के, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो ये 12 सदस्य टीम अखिलेश यादव ने भेजी है और भेजने के बाद अब ये रिपोर्ट देंगे लखनऊ में अखिलेश यादव को, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को। तो उसके बाद ही अखिलेश यादव इस पर आगे निर्णय लेंगे कि अब इस आंदोलन में किस तरह से समाजवादी पार्टी, जो ये किसानों का आंदोलन चल रहा है, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें अपनी अहम भूमिका क्या निभाएगी समाजवादी पार्टी। तो इन्हीं सभी बिंदुओं पर उन्होंने कई बिंदु बनाए हैं अपने जांच करने के लिए, वो जांच करने पहुंचेंगे इन सब के, इन सब से बातचीत करेंगे, किसानों से मिलेगी। और 6 जून को किसानों के साथ में क्या हुआ, क्या घटा किसानों के साथ, ये टीम पूरा जानने की कोशिश करेगी, जानकारी हासिल करेगी। उसके बाद एक रिपोर्ट। बुलंदशहर से बड़ी खबर है। बुलंदशहर में नाबालिग मुखबधिर से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया। बुलंदशहर से बड़ी खबर है। नाबालिग मुखबधिर लड़की बताई जा रही है जिसके साथ रेप हुआ है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।